हाय, आई आर बी फ्रॉम इटका टेक्नोलॉजी एंड बियॉन्ड। आज हम एक और सुपर ट्रिक्स की बात करेंगे, कुछ और नया सीखने की कोशिश करेंगे। तो एक और लाइफ हैक फॉर ट्रिक्स जो आपका एक्सेल एक्सपीरियंस आसान कर देगी। तो आज के हम इस ट्रिक में बात करेंगे, हम इस सेशन में बात करेंगे फार्मूला की। फार्मूला के अंदर कंट्रोल है। अब आप कहेंगे कंट्रोल है और फार्मूला का क्या कम्बिनेशन है, कंट्रोल से तो सारा सेलेक्ट हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, कंट्रोल ए का और भी यूज़ है। तो आइए देखते हैं कि क्या यूज़ है कंट्रोल ए का फार्मूला के अंदर। चलिए शुरू करते हैं फार्मूला को कंट्रोल ए का यूज़ हम कैसे करेंगे, देखते हैं। तो मैं कोई एक सिंपल सा डाटाबेस ले लेता हूँ, कुछ एक इसमें बेसिकली आपको बताते हैं। यहाँ पे हम फार्मूला लिखना शुरू करते हैं। अब मेरे पास फार्मूला लिखने के दो तीन तरीके हैं, या तो मैं यहीं लिख दूँ एज इट इज़, या मैं एक तरीका और क्या है कि मैं यहाँ जाऊँ, यहाँ से फार्मूला ढूँढूँ, फिर उसको लिखना शुरू करूँ। जैसे ये आ गया, अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये डायलॉग बॉक्स आएगा, फिर मैं यहाँ पे सीरीज़ दूँगा, फिर वो उसको ऐड करेगा, समथिंग लाइक दैट। तो अगर मान लीजिए मैं ये लिखना शुरू करता हूँ और बीच में मेरा मूड बदल जाता है, या मेरे को लगता है कि आई एम मोर प्रोफिशिएंट विद डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स से ज़्यादा अच्छा बनता है, तो अगर डायलॉग बॉक्स लाना हो तो बस यहीं पे है कंट्रोल ए का यूज़। आप मैनुअल टाइप करना शुरू कर रहे हैं और जैसे ही आप कंट्रोल ए करेंगे तो जो डायलॉग बॉक्स था वो अपने आप आ जाएगा, आप यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं कोई और फॉर्मूला लिखता हूँ, मान लीजिए मैं वी लुकअप लेता हूँ। अब वी लुकअप में वाल्दो बहुत सारे मैंने देखा है कि वो इसी तरह से वी लुकअप मैनुअली करते हैं, लेकिन कई लोग इंक्लूडिंग मी जो है वो ऊपर से फंक्शंस मतलब डायलॉग बॉक्स के थ्रू जो है वो करते हैं। तो अगर यहाँ पे डायलॉग बॉक्स लाना हो तो कैसे लेके आएंगे, सिंपल कंट्रोल है, देखिए डायलॉग बॉक्स आ गया। बस अब आप जो वैल्यू जो भी इस फॉर्मूला में करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो ये तो है सुपर ट्रिक रिलेटेड टू कंट्रोल ए इन फॉर्मूला। तो अभी के लिए बस इतना ही, अगले किसी वीडियो में हम और कोई सुपर ट्रिक लेके आएंगे, फिर आपसे जो है वो आगे और डिटेल में बात करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।